Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। जीरो नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और जीरो डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं जीरो पर। कोविड डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर यशवंत गुरुकर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश यादव ने इनॉग्रेट किया स्पंदना कलबुर्गी प्रोग्राम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर, जहां पर कई सारे एमएलए और एमएलसीज प्रेजेंट थे। ಹೌದಾ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್? ಅದು ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಎರಡು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಕೆಲವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು 28 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ज्ञान अपनी मस्जिद के बाद ये बताया जा रहा है अलन दरगाह एक ट्रायल टेस्ट था आरएसएस का, इस तरह से बात बता रहे हैं अफजाल महमूद। जी हाँ, उन्होंने कहा ज्ञान अपनी मस्जिद का भी ये सारा मामला क्या है। आइए देखते हैं उनके एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस बारे में, वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसको उभारने का मंशा क्या है, इसके बारे में हम लोगों को पूरे मुल्क के मुसलमानों को गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि मकसद क्या है आखिर। देखिए, 2019 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला आता है और उस फैसले में ये कहा जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक मुनासिब और बेहतरीन एक्ट है, जिसकी वजह से सिवाय बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मसला है, तनाज़ा है, उसको छोड़कर बाकी सारे जितने भी मजाहिब के दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, गुरुद्वारे हैं, ये सारे के सारे अगर 1947 से पहले मौजूद हैं इस मुल्क हिंदुस्तान में, तो उनके ऊपर कोई भी दूसरा क्लेम नहीं कर सकता है, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता है, ये फैसले में ही बोल दिया गया था। अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये दरअसल 1991 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। पार्लियामेंट में पास तमाम तर जितने पार्टीज़ हैं सभी मिलकर इस फैसले को, इस एक्ट को मंजूरी दिए थे और उसके बाद में उम्मीद ये थी कि जब ये फैसला आया 2019 का, उसके बाद में कोई और मुतनाज़ा मामले को उठाया नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि फ़िरका परस्त ताकतें, बिलखसूस आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल या फिर कोई और दीगर हिंदूवादी तंजीम है, वो लोगों का जो इरादा है वो हम लोगों को बहुत पहले से ही इंकशाफ था कि वो लोग ये मसलों को नहीं छोड़ेंगे। उनका ये नारा कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारे पर वो कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब दोबारा से उनकी हुकूमत आई, 2014 में बीजेपी की हुकूमत बनी, फिर उसके बाद में 2019 में जब दोबारा से हुकूमत आई, तो उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए। एक और आज मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एचडी कुमार स्वामी का बयान भी था कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो डोनेट किए हुए ज़मीनात हैं मंदिरों के लिए, क्या ये लोग जो मसले उठा रहे हैं, यहाँ हर मस्जिद के नीचे मंदिर की बात कर रहे हैं, क्या ये लोग वो मंदिरों को वापस कर देंगे? ये तमाम तर सवालात उठने वाले हैं। तमाम तर लोग आज हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और गुर्बत बेतहाशा हो गई है और गरीबी के साथ साथ मुल्क पूरी तरीके से खसारे में चला गया है। एक कौम को दूसरे कौम से लड़ाने का एक ही नतीजा होता है कि मुल्क खसारे में चला जाता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अफसोस भरी खबर हम ला रहे हैं, जहां पर हम बात करते हैं सिंगर के जो है कॉन्सर्ट कर रहे थे, कॉन्सर्ट के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनके रास्ते में
हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई, क्योंकि काफ़ी अच्छे सिंगर रहे और बॉलीवुड को काफ़ी बड़ा हिट सॉन्ग देते आए, लेकिन अफसोस भरी बात हो रही कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सौरव गंगोली रिज़ाइन हो चुके हैं एज BCCI प्रेसिडेंट। ये बड़ी खबर हम ला रहे हैं जहां पर फॉर्मर इंडियन स्कीपर सौरव गंगोली और BCCI के प्रेसिडेंट रह चुके वो अब रिज़ाइन हो चुके हैं। ये खबर आ रही है कि गंगोली पॉलिटिकल प्लंज जाने वाले हैं और कुछ पॉलिटिकल्स के बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं। सौरव गंगोली 39 प्रेसिडेंट थे BCCI के 2019 में और वो इंडिया के दूसरे कैप्टन हैं जिन्होंने BCCI की पोस्ट को होल्ड किया है। राइट विंग ने अब फिर से एक और मस्जिद पर दावा डाला है, जहां पर हम बात करते हैं भोपाल की जामा मस्जिद, जहां पर संस्कृति बचाओ मंच SBM ने कहा कि ये यहां का आर्कियोलॉजिकल सर्वे लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहां पर भी लॉर्ड शिवा की टेंपल हो सकती है। इस प्रेमावस्थ पे बनाया गया है मस्जिद, इस तरह की बात आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं JDS यूथ गुलबर्गा ने स्टार्ट की एक न्यू कैंपेन बाय द नेम वेक अप यूथ। एक इम्प्रेशन ऐसा है जहां पर यूथ को रेवोल्यूशन करना है गुलबर्गा के अंदर। ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पर स्टूडेंट सेफ्टी और उनके राइट्स के बारे में बताया गया। गेस्ट स्पीकर रहे अरुण सर्कल इंस्पेक्टर यूनिवर्सिटी लिमिट्स, मिस्टर रियाज खतीब, मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी स्कूल मालकती गुलबर्गा के अंदर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा और उसमें सिराज शाब्दी JDS यूथ टीम ने सभी प्रिंसिपल टीचर्स सबको शुक्रिया अदा किया ताकि उन्हें यहाँ पर इन्वाइट भी किया गया और एज ए गेस्ट के तौर पर उन्हें बोलने का मौका भी दिया गया। ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜು ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। महात्मा गांधी का ये प्रभाव है जहां पर फ्रीडम वो चीज़ नहीं है जहां पर अगर आपको मिस्टेक्स करने की फ्रीडम ना मिले तो वो फ्रीडम फ्रीडम नहीं होता। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार फास्ट एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गो हैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम जरूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Delhi Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.